दिन आयुर्वेद मनाता है धनतवरी जयंती, जिसके चलते इस बार पूरे महीने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। आज लगा वृद्ध आश्रम में शिविर, 7 व 11 अक्टूबर को होगा कॉलेज में कार्यक्रम। वृद्ध आश्रम में ओपीडी अब हफ्ते में एक दिन लगेगी। प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ का बड़ा फैसला। रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज का बड़ा फैसला, शहर के बीच में स्वागत भवन में हफ्ते में एक दिन ओपीडी लगेगी। वरिष्ठ डॉक्टर बुजुर्गों की सेहत की करेंगे देखभाल। पूरे जिले के लाखों वृद्धों को होगा इससे लाभ। रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज ने 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हुए आज के दिन रीवा शहर के वृद्ध आश्रम में ओपीडी लगाकर वृद्धों का चेकअप किया, उचित दवाई दी। हम आपको बता दें, इसी महीने में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी मनाते हैं। साथ ही दीपावली के पहले धनतेरस के दिन धनतवरी जयंती भी मनाते हैं। रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में धनतवरी जयंती समारोह, जो कि धनतेरस के दिन मनाया जाता है, आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसके चलते पूरे महीने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया था रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज ने। इस वर्ष हम लोग 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि धन्वंतरी जयंती धनतेरस के दिन मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे मास हम लोगों को जो कार्यक्रम दिए जाते हैं, उस कार्यक्रम आयोजित कर किए जाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस आज मनाया जाता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने रेड क्रॉस के द्वारा जो स्वागत भवन में वृद्धाश्रम संचालित किया जाता है, वहाँ पर वृद्धों के लिए एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें कि सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज हम लोग वृद्धों का कर, जो यहाँ निवास करते हैं उनका भी और जो शहर से आते हैं वृद्ध उनका भी हम चिकित्सा यहाँ पर कर रहे हैं। आज के दिन हम लोगों ने एक निर्णय भी लिया कि एक नियमित ओपीडी वृद्धों के लिए जेरियाट्रिक क्लिनिक के नाम पर प्रति मंगलवार 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग नियमित रूप से हमारे एक चिकित्सक आएंगे और वो यहाँ पर वृद्धों की चिकित्सा करेंगे। इसी के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में कुछ और कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम 7 तारीख को हमारे महाविद्यालय के चिकित्सालय में आयोजित किया जाएगा। पोषण के लिए भी आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा रोल हम लोग समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अनाज जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं या पब्लिक उनको यूज़ नहीं कर रही है, उनका एक पोषण के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है। तो उसको भी हम लोग हाईलाइट करते हुए 7 तारीख को चिकित्सालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं कि जो लुप्त अनाज हो रहे हैं उनकी खासियत क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है पोषण के लिए, वो हम लोग सामान्य जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जनता उनका प्रयोग फिर से प्रारंभ करे। उसका सीधा सीधा असर हमारे किसानों पर भी पड़ेगा, किसानों इसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो किसान उसका उत्पादन भी करेगा। तो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग 11 तारीख को हमारे चिकित्सालय में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर भी एक हम लोग छोटी सी प्रदर्शनी लगाएंगे और कुछ व्याख्यान भी रखेंगे। तो इसके ऊपर भी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य का एक हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर तो हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके ऊपर भी आयुर्वेद का एक अपना योगदान है कि मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं, तो इसके ऊपर भी एक कार्यक्रम हम लोग 11 तारीख को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित करेंगे। ये 2 कार्यक्रम अभी हमारे डिसाइड हैं ये आयोजित करेंगे। तो सामान्य जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि इन दोनों दिवस में भी आप लोग महाविद्यालय का चिकित्सालय जो निपनिया में है, वहाँ पर आकर इस कार्यक्रम का लाभ अवश्य प्राप्त करें।